पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दलित समाज के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी का इजहार किया, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी। आदिवासी समाज से निकलकर राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू ने देश की महिलाओं का नाम रोशन किया, तो वहीं समाज के लोगों में भी खुशी है। इसी कड़ी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज नव निर्वाचित भारतीय प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी गई। दलित समाज में उनके राष्ट्रपति बनने पर उत्साह देखने को मिला, इसके लिए सभी पार्टियों का भी आभार जताया गया। खुशी के मौके पर जिला संयोजक दीपू पारछा, केंद्रीय कार्यकर्ता सदस्य आदेश कुमार एडवोकेट, सुशील कुमार, रॉबर्ट चौधरी, विक्की बादशाह, फरीद अहमद, बबलू भूरे, दिनेश वाल्मीकि के साथ और भी लोग मौजूद रहे। ये आज हमारे दलित समाज में जो प्रथम आदिवासी महिला वो राष्ट्रपति बनी है, इसमें हमारे संगठन में ही नहीं पूरे समाज में बहुत बड़ा खुशी का जी बना रहे हैं और सभी को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम लोगों ने भी हम स्थान बांटे हैं और उन्हें बधाई दी है कि सभी लोग उनको बधाइयाँ दें और महिलाओं से भी कहना है कि वो भी आगे बढ़ के ऐसी पदों पर पहुँचे। एक आदिवासी समाज से एक निकल कर वो राष्ट्रपति बनी है, क्या उम्मीद रहेगी समाज के लोगों को भी और भी क्या लगता है? कल्याण करेंगी, गरीब समाज का, दलित समाज का कल्याण करेंगी। जिस समाज से निकल के आई हैं बड़ी कठिनाई झेलते हैं ऐसे समाज, क्या कहना चाहेंगे द्रौपदी मुर्मू के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वो अपने समाज का और देश का कल्याण करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।